सो विल स्टार्ट विद सेक्शन टू। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में पी वाई क्यूज कम्प्लीट किए थे ऑफ चैप्टर नंबर टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सो विल गो अहेड विद सेक्शन टू विच इज मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, अ फ्रेम मेड अप ऑफ मेटालिक वायर एनक्लोजिंग अ सरफेस एरिया इज कवर्ड विद अ सोप फिल्म। तो एक मेटालिक वायर है उसमें एक सोप का फिल्म है। एट द सरफेस एरिया ऑफ द फ्रेम ऑफ मेटालिक वायर, अगर मैं मेटालिक वायर के फ्रेम का सरफेस एरिया रिड्यूस कर रहा हूँ 50% से, रिड्यूस बाय 50%, एरिया 50% से कम होगा तो एनर्जी कितना होगा? एनर्जी ऑफ द सोप फिल्म विल बी चेंज्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन, फ्रेम का अगर आप एरिया कम कर रहे हो मतलब सोप फिल्म का एरिया कम हो रहा है तो सरफेस एनर्जी भी कम होगा। कितने से कम होगा? 50% से ही कम होगा। तो ऑप्शन तो हमको पता है कि सी आने वाला है, लेकिन कैसे? और दो मेथड्स है, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, मेथड वन एंड मेथड टू। सबसे पहले फिजिक्स में कोई भी पैरामीटर में चेंज, परसेंटेज चेंज, वो होता है डेल्टा ई बाई ई इन 200, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इन 200। ओके, तो देन यू शुड नो ये फाइंड करना है। इसका मतलब तुमको ई टू बाई ई वन माइनस वन, क्योंकि ई टू बाई वन माइनस ई वन बाई वन इन 200, तो ये फाइंड करना है। अब ये चाहिए, इसका मतलब आपको ई टू बाई ई वन फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? टेंशन इन टू एरिया। टेंशन टू टाइम्स क्यों लिया? क्योंकि फिल्म है तो फिर सरफेस होता है। वैसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि टू टी कॉन्स्टेंट है, तो सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब ई टू बाई ई वन इक्वल टू ए टू बाई ए वन। बट वॉट दे हैव टोल्ड यू, उन्होंने आपको बोला कि सरफेस एरिया कितने परसेंट से कम हुआ? 50%। 50% कम होना मतलब आधा होना, आधा। तो ए टू क्या हो जाएगा? ए वन बाई टू। तो ए टू बाई ए वन कितना आ गया? 1/2। इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम 1, 2, 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1 से डेल्टा ई बाई ई इन 200, ये था आपका ई टू बाई ई वन माइनस वन इन 200। लेकिन ए टू बाई ई वन क्या था? ए टू बाई ए वन, लेकिन ए टू बाई ए वन क्या है? 1/2। तो 1/2 माइनस वन इन 200 माइनस हाफ, मतलब 50%। और माइनस का मतलब पता है क्या होता है? रिड्यूसेस बाय 50%। तो रिड्यूसेस बाय 50%। ये मेथड वन था। मेथड टू स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेथड टू में कुछ करना ही नहीं है आपको। मेथड टू में हमको समझ में आ गया ना, ई इज प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया हाफ तो एनर्जी भी हाफ, हाफ मतलब 50% से कम होना, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जो द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल रॉक ऑफ रेडियस आर एंड लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी। सही है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड रॉक, लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन याद है क्या? एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू टू टी बाई आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? टेंशन। और इनवर्सली किसको है? रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। हो गया क्वेश्चन खत्म, चलते हैं आगे। इफ द वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ वॉल्यूम वी इज डब्ल्यू, ब्लोइंग मैंने बताया था, ब्लोइंग मतलब पहले बबल नहीं था अब बबल बन गया। तो वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ वॉल्यूम वी इज डब्ल्यू, देन द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम टू वी इज। तो अगर हमको
एक वी वॉल्यूम का बबल बनाने में डब्ल्यू वर्क डन हुआ, तो टू वी वॉल्यूम का बबल बनाने में कितना वर्क डन होगा, ऐसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, मैंने बताया था क्या दिया है, क्या पूछा है उसको कनेक्ट करो। क्या दिया है, वॉल्यूम, क्या पूछा है, वर्क। व्हाट इज वर्क डन इन जनरल, टू टी डी ए। व्हाट इज डी ए, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। जब ब्लोइंग एयर वर्ड यूज होता है तो इनिशियल बबल था क्या, नहीं, तो इनिशियल एरिया कितना था, जीरो। तो वर्क डन क्या आ गया, टू टी फोर पाए आर स्क्वेयर माइनस जीरो। तो वर्क डन कितना हो गया, एट पाए टी आर स्क्वेयर। टेंशन कांस्टेंट है क्योंकि पहले जो सॉल्व सॉल्यूशन था वही सॉल्व सॉल्यूशन बाद में यूज किया है, तो एट पाई टी कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन किसको प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वेयर। हमको दिया गया है वॉल्यूम, पूछा गया है वर्क, तो किसको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वर्क डन को वॉल्यूम के साथ। लेकिन यहाँ पर तुमने वर्क डन को किससे कनेक्ट किया, रेडियस के साथ। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बबल, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम किसको प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब को। तो अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ तो वी रेस टू वन बाई थ्री प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वी रेस टू टू बाई थ्री प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, W was proportional to R square, लेकिन R square was proportional to V raised to 2 by 3. W was proportional to R square was proportional to V raised to 2 by 2 by 3. हो गया खत्म। तो W2 by W1 कितना आएगा, कितना आएगा, V2 by V1 raised to 2 by 3. तो W2 by W1 कितना है, W है, V2 कितना है, 2V है, V1 कितना है, V है, raised to 2 by 3 है, कैंसिल कैंसिल है। W2 by W, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट। तो W2 is 4 का क्यूब रूट टाइम्स ऑफ W, 4 का क्यूब रूट टाइम्स ऑफ W, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मर्क्यूरी ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर मर्ज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो दो मर्क्यूरी के ड्रॉप जिनका रेडियस स्मॉल आर था वो मर्ज हो गए टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। इफ टी इज अ सरफेस टेंशन, द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगेस्ट, बिगेस्ट नहीं, बिगर ड्रॉप होना चाहिए, बिगर ड्रॉप इज। क्वेश्चन समझ में आया, दो मर्क्यूरी के ड्रॉप थे मर्ज हो गए, क्या बन गया, बड़ा ड्रॉप बन गया। तो आपको याद है, याद है, याद होना चाहिए, वैसे याद होना तो चाहिए। अगर मेरे पास दो ड्रॉप्स हैं, ये दो ड्रॉप मर्ज होके एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो तुमको याद तो होना चाहिए, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ दिस और स्मॉल आर रेडियस ऑफ दिस, इसका कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन क्या था, एन रेस टू वन बाई थ्री। अभी बहुत बार हमने सॉल्व किया ना, इसके लिए अभी हम लोग वापस नहीं करेंगे। तो टू रेस टू वन बाई थ्री बराबर, तो स्मॉल आर क्या आ गया, कैपिटल आर अपॉन टू रेस टू वन बाई थ्री। मैं स्मॉल आर क्यों लिख रहा हूँ, आंसर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर रखो, क्या पूछा है आपको, आपको पूछा है जो बड़ा ड्रॉप है उसका एनर्जी कितना है। व्हाट इज एनर्जी इन जनरल, टेंशन इंटू चेंज इन एरिया या फिर टेंशन इंटू एरिया। टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, तो टेंशन इंटू एरिया, तो मैं टेंशन इंटू एरिया लिख देता हूँ। बड़े ड्रॉप का बोला है ना, बड़े ड्रॉप का बोला है। व्हाट इज टेंशन ऑफ बिग ड्रॉप, फोर बाय आर स्क्वायर। तो फोर पाई टी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो टू रेज टू वन बाई थ्री आर का स्क्वायर। तो फोर पाई टी कितना हो गया, टू रेज टू टू बाई थ्री आर स्क्वायर। देखो आंसर, देखो आ गया आंसर, आ गया आ गया, पता है कैसे आया, देखो ये फोर मतलब टू स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको इस फोर को टू स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम लोग, टू और टू रेस टू टू बाई थ्री, तो टू रेस टू टू और टू टू बाई थ्री कितना आ गया, एन बाई थ्री।
और पाई टी आर स्क्वायर, तो 2^8/3 पाई टी आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जोक है जोक। If a drop of water is broken into smaller drops, the surface energy, मैंने बताया था आपको, बड़ा ड्रॉप हो उसका एरिया कम होता है, उस बड़े ड्रॉप के छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो टोटल एरिया ज़्यादा होता है। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। तो एरिया ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो बड़े ड्रॉप का एरिया ज़्यादा कि छोटे ड्रॉप्स का टोटल एरिया ज़्यादा? छोटे ड्रॉप। तो अगर मैं एक ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में ब्रेक कर रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, इंक्रीजेस। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी जोक है। ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पजेस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से आया? याद है कि आपको, हमने सरफेस टेंशन का जब कॉन्सेप्ट सीखा था तो हमने बोला था कि सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। तो जो सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ गए? नीचे। उनको रिप्लेस करने के लिए नीचे के मॉलिक्यूल कहाँ आए? ऊपर। अपने आप आए क्या? नहीं। क्या हुआ? वर्क डन। और वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जो सरफेस में, मतलब लिक्विड के सरफेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। तो थ्योरी में देखा था हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.015 सेंटीमीटर इज डिप्ड इन वाटर, वाटर राइजेस टू हाइट 15 सेंटीमीटर विद इन इट। एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब को जिसका रेडियस आपको दिया है 0.015 सेंटीमीटर, इसको आपने वाटर में डिप कर दिया, तो जो कैपिलरी राइज हुआ, हाइट कितना हुआ उसका? 15 सेंटीमीटर। अज्यूमिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास टू बी जीरो, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, तो बताओ तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कैपिलरी को हमने वाटर में डिप किया तो कैपिलरी के अंदर वाटर का लेवल बढ़ गया, तो क्या हुआ? कैपिलरी राइज हुआ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कैपिलरी राइज का फॉर्मूला डिराइव किया था ना, क्या था? अरे फॉर्मूला भी नहीं अभी तक याद आ रहा तो कैसे चलेगा? क्या था फॉर्मूला? H इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g। तुमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है तुमको? क्या पूछा है? सरफेस टेंशन मतलब क्या पूछा है? t, तो t क्या आएगा? hr रो g अपॉन 2 cos थीटा, बराबर। वेरी गुड। व्हाट इज हाइट? कितना हाइट दिया है? 15 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे? 10^-2। और आर कितना है? 0.015 सेंटीमीटर, मतलब 0.015 × 10^-2। डेंसिटी कितना है? 1000। जी के लिए कितनी है? 9.81 अपॉन 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो। हो गया, गुड गुड। तो अभी देखो ऐसा है, अच्छे से ध्यान दो, ये जो 0.015 है इसको मैं 15 × 10^-3 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, यस। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 225 × 9.81 × 10^-4 अपॉन 2, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको 1 और अप्रोक्सीमेटली 4.9 कर सकता हूँ क्या? यस। 4.9 × 225, व्हाट इज 4.9 × 25? चलो 225 × 5 बता दो, 225 × 5 बता दो। अरे 225 × 5 मतलब 225 × 10, उसका आधा,
2250 का आ रहा 1100 समथिंग, तो 1100 कुछ आएगा ना वो। अरे 1100 आएगा क्या? 1100 देखो देखो देखो, 225 × 4.9 कितना आया? 1100 2.5, तो 1100 2.5 इंटरेस्ट टू माइनस 4 मतलब कितना आ गया? 0.11 न्यूटन पर मीटर, 0.11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेंशन है ना, टेंशन है तो न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। ठीक है ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अ वेसल हूज बॉटम हैज राउंड होल विद डायमीटर ऑफ 1 mm इज फिल्ड विद वाटर। वेसल मतलब एक कंटेनर है, उसके बेस में एक राउंड होल है, इस वेसल को आप भर रहे हो पानी से। अज्यूमिंग दैट सरफेस टेंशन एक्ट्स ओनली एट द होल, देन द मैक्सिमम हाइट टू विच द वाटर कैन बी फिल्ड इन वेसल विदाउट लीकेज इज, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.5 × 10⁻²² एंड जी वैल्यू इज 10। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। ये एक वेसल है, इसके नीचे एक होल है, गुड, इसमें हमने भर दिया पानी, तो कितने हाइट तक इसमें पानी भर सकते हो विदाउट द वाटर लीकिंग आउट। और ऐसा होता है कि पानी लीक आउट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नीचे जो पानी का लेयर बना सरफेस टेंशन की वजह से, वो कैसा होता है? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा होता है। तो ऐसा डू नॉट कीप मिस कॉन्सेप्ट कि नीचे होल है तो पानी हमने भरा तो पानी बाहर आएगा ही, ऐसा नहीं होता है वो। तो फिर कितने हाइट तक तुम वाटर को फिल कर सकते हो, कितने हाइट तक तुम वाटर को फिल कर सकते हो सो दैट द वाटर डज नॉट लीक आउट, तो यू शुड नो उतना ही हाइट चलेगा। तो आइडिया ये है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है ना, यहाँ पे ये प्रेशर किसकी वजह से है? एक तो उसके ऊपर कॉलम है, किसका? लिक्विड का, तो H ρ g, उसके ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। इसके अंदर और इसके बाहर प्रेशर डिफरेंस है, इसके अंदर ये PI बोल देता हूँ, इसके बाहर ये भी कौन है? एटमॉस्फेयर है। इस पॉइंट पे उसके ऊपर कौन है? वाटर कॉलम, उसका हाइट कितना है? H। तो मैं इसको पॉइंट को नाम देता हूँ A पॉइंट बोल देते हैं ना, तो A पॉइंट पे प्रेशर किसका है? H ρ g, और किसका है? एटमॉस्फेयर। लेकिन इसी A पॉइंट पे लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन के हिसाब से, व्हाट इज लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन? प्रेशर डिफरेंस मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 2t by r, वेर r इज रेडियस ऑफ द फिल्म, वो दिया होगा, देखते हो, गुड, वो दिया है ना, देखो दिया डायमीटर, ओके। लेकिन इनसाइड मतलब कौन सा पॉइंट? इनसाइड कौन सा पॉइंट? ए, मतलब ये इसको क्या लिखो? PA माइनस P0 इक्वल टू 2t by r, तो PA कितना आ गया? 2t by r प्लस P0। तो A पॉइंट पे प्रेशर उसके ऊपर H ρ g प्लस P0, लेकिन A पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू लैपलास लॉ कितना है? 2t by r प्लस P0। तो 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? सेम। तो H ρ g प्लस P0 क्या आएगा? 2t by r प्लस P0। तो P0 क्या हो गया? कैंसर। तुमको क्या फाइंड करना था? H। तो H क्या आ गया? 2t by r ρ g। T की वैल्यू कितनी है? 7.5 × 10⁻²। ओके, R की वैल्यू कितनी है? डायमीटर कितना है? 1 mm। डायमीटर 1 mm, तो रेडियस कितना? 0.5 mm। 0.5 mm मतलब 0.5 × 10⁻³, मतलब अगर मैं 0.5 का पॉइंट हटा दूँ
2 माइनस 4, डेंसिटी कितना है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10^2 प्लस 3 और 10, 10^4 और ये हो गया आंसर। 5 1 1.5, तो 2 × 1.5 कितना होता है 3 × 10^-2 मीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऑप्शन सी। जिनको अभी भी नहीं समझा वो थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दो, एक वेसल था, वेसल नीचे होल था, पानी भरते गए, पानी लीक आउट नहीं हो रहा है, तो पानी कब तक लीक आउट नहीं होगा, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो, और इसके इस स्फेरिकल बबल या फिर स्फेरिकल ड्रॉप के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो जब तक सेम है, क्योंकि लिक्विड का फ्लो होता है जब प्रेशर का डिफरेंस हो, तो जब तक अंदर प्रेशर और बाहर प्रेशर सेम है तब तक फ्लो होगा क्या, नहीं। तो हमको प्रेशर यहाँ पे दो इक्वेशन से मिलेगा, एक इसके ऊपर H₀G प्लस P₀, दूसरा ये एक स्पीयर जैसा है, तो लैपलेस ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, तो PA के दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को इक्वेट कर दिया तो H का इक्वेशन मिल गया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आ गया 3 सेंटीमीटर। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ड्रॉप ऑफ सोप बबल ऑफ डायमीटर डी ब्रेक्स इनटू 27 ड्रॉप्स हैविंग सरफेस टेंशन टी, और टी मीन्स मिस हो गया यहाँ पे, द चेंज इन सरफेस एनर्जी एस, सिंपल क्वेश्चन है, चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है, टी डी ड्रॉप है तो टी डी ए, बबल है तो टी डी ए, ये फाइनल एरिया माइनस इनिशियल, कि इनिशियल माइनस फाइनल, एक ड्रॉप था तो सरफेस एरिया कम था 27 हो गया, सरफेस एरिया पड़ गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल, ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप्स पहले थे कि बाद में हो गए, तो बाद में तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, बराबर, पक्का पक्का, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये फाइनल, अगर फाइनल ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर लेता हूँ तो एरिया क्या होगा 4π, लेकिन कितने ड्रॉप्स थे, n, n की वैल्यू कितनी है 27, हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 4π। अब देखो ऐसा है ना, तुम 4π को बाहर निकाल लो तो 4πt क्या आ गया nr² - r। अब ऑप्शन में तुमको r नहीं दिया, क्या दिया कैपिटल डी, लेकिन कैपिटल डी बड़े ड्रॉप का डायमीटर था, छोटे का था क्या, नहीं, तो यहाँ पे जो छोटे का पैरामीटर है, कौन है छोटे का पैरामीटर, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या चाहिए, कैपिटल डी चाहिए, कैपिटल डी कैपिटल आर से आएगा कि स्मॉल आर से आएगा, तो क्या नहीं चाहिए, वेरी गुड। फिर तुमको याद है क्या, याद होना चाहिए, याद है ये, ओके, क्या तुम्हें याद है, नहीं याद तो याद करो, तो ये स्मॉल आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर बताओ, आर स्क्वायर अपॉन n^2/3, ये इक्वेशन नंबर 2 कहाँ जाएगा 1 में, अरे थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा हो, वही ऑप्शन में कैपिटल डी था, मेरे को कैपिटल डी चाहिए, कैपिटल डी कैपिटल आर से आएगा, स्मॉल आर से आ नहीं सकता, स्मॉल आर हटाना पड़ेगा, तो ये हमने बहुत बार देखा, ये बहुत बार देखा, तो स्मॉल आर स्क्वायर इस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन n^2/3, वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर e = 4πt एंड आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन n^2/3 माइनस का लिखे हो गया 4πt, क्या कॉमन आ गया आर स्क्वायर, एन अपॉन n^2/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/3 - 1, तो क्या आ गया 4πt, व्हाट इज रेडियस, डायमीटर बाई 2, तो डी स्क्वायर डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर,
एन रेस टू वन और माइनस टू बाई थ्री कितना आ गया, वन बाई थ्री माइनस वन, ऐसे है ना, बराबर है, बराबर है। फोर पाई टी डी स्क्वायर बाई फोर, एन की वैल्यू कितनी थी, 27, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, थ्री, थ्री है ना, थ्री माइनस वन कितना हो गया टू, तो ये टू आ गया, तो टू पाई टी डी स्क्वायर, टू पाई टी डी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, चलो यार ध्यान दो। अ मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज स्प्रेड इनटू 10^6 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब एक बायो ड्रॉप को 10^6 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। द एनर्जी एक्सपेंडेड, मतलब एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, या एक्सपेंडेड एब्जॉर्ब्ड होगा, क्योंकि यू नो जब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कन्वर्ट टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, तो एनर्जी रिलीज होता है। जब एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में स्प्रेड होता है तो एनर्जी देना पड़ता है, तो एक्सपेंडेड मतलब एब्जॉर्ब्ड होगा यहाँ पे। गुड, देन ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो फिर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से। तो फॉर्मूला बिल्कुल रेडी था, क्योंकि ये तुमने वही किया ना, सेम था कि नहीं क्वेश्चन, एक बड़ा ड्रॉप था उसके 27 ड्रॉपलेट्स हो गए, चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो जितना एनर्जी में चेंज है उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो यहीं से स्टार्ट करना है आपको, डन, ये वाला स्टेप खत्म। तो क्या आएगा, 4πtr² n रेज़ टू 1/3 - 1, तो एनर्जी एक्सपेंडेड इज 4πtr² n रेज़ टू 1/3 - 1, खत्म हो गया आंसर। 4πt, t की वैल्यू कितनी है, 32 × 10^2 - 2। आर रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब 10^2 - 2 मीटर। एन की वैल्यू कितनी है, 10^6, और उसका क्या करना है, क्यूब रूट लेना है, माइनस वन, तो वन ज़ा एन टू ज़ा, हो गया बराबर। 10^2 कितना होता है, 100, तो 100 - 1 = 99। 4π × 32 × 10^2 - 4 इंटू 100 - 1 कितना हो गया, 99, उसको 100 ही मान लेता हूँ ना फिलहाल, क्या फर्क पड़ता है, हो गया। 4π × 8 × 4, ऐसा क्यों क्या बताता हूँ मैं आपको, × 10^2 - 2, 4π की वैल्यू कितनी थी अप्रॉक्सीमेट, 12.5 × 8 कितना होता है, 100, कितना होता है 100, कितना होता है 100, कितना होता है 100, 100 × 4 × 10^2 - 2, बराबर, कैंसिल और कैंसिल, तो लगभग कितना आंसर आ रहा है, 4 जूल, कितना आ रहा है 4, अभी तो 4 आंसर में है, देख क्या अप्रोक्सीमेट, 4πtr², रुको 4πtr², r का स्क्वायर कितना है, 10^2 - 2, उसका स्क्वायर कितना होगा, 10^2 - 4, ये गलती हुई, अगर वो गलती हुई तो इधर गलती हुई, 10^2 - 6, उधर हुई तो यहाँ पे भी हुई, 10^2 - 4, वहाँ हुई तो यहाँ भी 10^2 - 4 होगा, बराबर। और ये 100 था, 100 मतलब कितना, 10^2 + 2 और 10^2 - 4, तो कितना आ गया, 4 × 10^2 - 2, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 4 × 10^2 - 2, एग्जैक्ट कितना है, 3.98 × 10^2 - 2, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोप बबल ए ऑफ रेडियस 0.03 मीटर एंड अनदर बबल बी ऑफ रेडियस 0.04 मीटर are brought together so that the combined bubble has a common interface of radius r, then the value of r is। तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। हमारे पास एक सोप बबल ए था जिसका रेडियस 0.03 है, एक सोप बबल बी था जिसका रेडियस 0.04 है, उनको साथ में लाया, तो ये बबल ए है, ये बबल बी है, इन दोनों को साथ में लाया, तो जो कॉमन इंटरफेस बना,
कॉमन इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जहाँ पे दोनों टच करेंगे एक दूसरे को उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो जो कॉमन इंटरफेस बनेगा, कॉमन इंटरफेस बनेगा, तो लेट्स से ये कॉमन इंटरफेस आ गया, ये कॉमन इंटरफेस आ गया, ओके। तो जो ए बबल था, ए बबल था, उस ए बबल का रेडियस था आर ए, इसकी वैल्यू 0.03 है। जो बी बबल है उसका रेडियस है आर बी, जो 0.04 है। जो कॉमन इंटरफेस बना उसका रेडियस है स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर है, ये ए बबल है इसके लिए ये आर ए है, ये बी बबल है इसलिए इसको आर बी बोल देता हूँ, ये बी बबल है आपका। तो ये कॉमन इंटरफेस है, कॉमन इंटरफेस, ओके। सबसे पहले ए के लिए फॉर बबल ए डेल्टा पी इज 4t बाय आर ए, और फॉर बबल बी, फॉर बबल बी यू हैव डेल्टा पी इक्वल टू 4t बाय आर बी। फॉर कॉमन इंटरफेस, फॉर इंटरफेस डेल्टा पी इक्वल टू 4t बाय आर, क्योंकि इंटरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, बराबर। यहाँ तक क्लियर है क्या? ए बबल के सराउंडिंग में कौन था, एटमॉस्फेयर था, तो प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा 40 बाय आर, क्योंकि बाहर भी एयर अंदर भी एयर, तो दो फ्री सरफेस थे। बी बबल के सराउंडिंग में कौन था, एटमॉस्फेयर था, तो अंदर भी फ्री बाहर भी फ्री, क्या आएगा डेल्टा पी इक्वल टू 40 बाय आर बी। लेकिन इंटरफेस के लिए, इंटरफेस के लिए यहाँ ध्यान दो, इंटरफेस के लिए अंदर कौन है, ए बबल, बाहर कौन है, बी बबल। तो यहाँ पर डेल्टा भी पता है क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ पी एंड पी बी, क्योंकि अंदर कौन है बाहर कौन है, तो ये पता क्या लिखोगे, डेल्टा पी ए माइनस डेल्टा पी बी इक्वल टू 40 बाय, क्योंकि इंटरफेस के लिए अंदर कौन है ए, बाहर कौन है। लैप्लास ऑफ परिवर्तन प्रमेय क्या होता है, इनसाइड प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर कौन है, डेल्टा पी ए है, आउटसाइड कौन है, डेल्टा पी बी है, ऐसा है। लेकिन डेल्टा पी ए क्या है, 40 बाय आर ए, डेल्टा पी बी क्या है, 40 बाय आर बी इक्वल टू 40 बाय आर, 40 40 40 कैंसर, तो 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी इक्वल टू 1 बाय आर। आर ए की वैल्यू कितनी थी, 0.03, बी कितना था, 0.04 इक्वल टू 1/r, 0.04 माइनस 0.03 अपॉन 3 × 4 × 10⁻⁴, सही है। ये 0.01 मतलब कितना, 10⁻², 10⁻², ये कितना हो गया 12 × 10⁻⁴, 10⁻², और -4 तो कितना बचा, -2, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 12 × 10⁻², मतलब कितना आ गया 0.12, 0.12 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी था क्या, बाकी था नहीं, सिंपल। वाटर राइजेज इन अ कैपिलरी टू अ हाइट x, चूज फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिलरी राइज फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑन द सर्फेस ऑफ जुपिटर हाइट विल बी लेस देन h, इन अ लिफ्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हाइट इज लेस देन h, ऑन द सर्फेस ऑफ मून द हाइट इज मोर देन h, इन अ लिफ्ट मूविंग डाउन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हाइट इज लेस देन h। सबसे पहले आपको बताना चाहिए हाइट h, हाइट h इज 2t cos थीटा बाय r रो g। अगर मेरे पास एक कैपिलरी है और कैपिलरी के अंदर लिक्विड भी सेम है, तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट हो गया, उसके बाद रेडियस ऑफ कैपिलरी भी कांस्टेंट है, लिक्विड सेम था वो भी कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, मतलब h किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। जुपिटर पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी
और से ज़्यादा होता है कि कम होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है, वहाँ कम होता है ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। कैन यू प्रूव इफ इट इज़ लेस और इफ इट इज़ मोर? मास यू नो स्मॉल जी, स्मॉल जी खुद किस पर डिपेंड करता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। मास भी ज़्यादा है जुपिटर का, रेडियस भी ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाइट क्या होगा? कम, इन्वर्स है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? ऑन द सर्फेस वाटर हाइट विल बी लेस देन एच। करेक्ट है ये? यस। आंसर ये नहीं है, उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा तुमसे। क्या पूछा है? फॉल्स स्टेटमेंट। पहला तो करेक्ट है ना, तो आंसर ये नहीं है। इन अ लिफ्ट मूविंग अप विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, आपको पता है अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है जी प्लस ए। क्या होता है? जी प्लस ए। तो जी प्लस ए, तो जी प्लस ए, तो जी की वैल्यू बढ़ गई ना क्योंकि प्लस ए हो गया, तो हाइट कम होगा ज़्यादा होगा? कम। तो इन लिफ्ट मूविंग अप विथ कॉन्स्टेंट हाइट इज लेस, ये भी करेक्ट है। ऑन द सर्फेस ऑफ मून हाइट इज मोर देन एच, करेक्ट है, क्योंकि मून का जो जी वैल्यू है वो अर्थ से कम है, तो जी कम होगा तो एच बढ़ेगा, जी कम होगा तो एच बढ़ेगा, तो सी भी करेक्ट है, तो गलत कौन? और आपको पता है फॉर अ लिफ्ट मूविंग डाउन, लिफ्ट मूविंग डाउन के लिए पता है क्या होता है? जी माइनस ए। तो अगर जी माइनस ए हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो हाइट क्या होगा? बढ़ेगा। इन्होंने क्या बोला है? खत्म आंसर, कुछ नहीं है यहाँ पे लिखने जैसा। अगला क्वेश्चन, द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट सोप बबल इज थ्री टाइम्स दैट इनसाइड द सेकेंड। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट सोप बबल मतलब डेल्टा पी वन इज थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा पी टू। देन द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सोप बबल, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोप बबल टू दैट ऑफ सेकेंड बबल विल बी। देखो मैंने आपको क्या बोला, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसमें जैसे बनाओ। क्या दिया है आपको? एक्सेस प्रेशर, और पूछा क्या है? वॉल्यूम का रेशो। तो किसको किसके साथ कनेक्ट करोगे? एक्सेस प्रेशर को वॉल्यूम के साथ। एक्सेस प्रेशर तुमको याद होगा तो क्या होता है? 40 बाई आर बबल के लिए, मतलब डेल्टा पी किस पर डिपेंड करता है? 1 बाय आर। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? आर क्यूब। तो वी रेज टू 1 बाई थ्री प्रपोर्शनल टू आर। इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से डेल्टा पी ये किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पे। आर किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा पी ये किस पर डिपेंड कर रहा है? 1 बाई आर पे। लेकिन आर किस पर डिपेंड करता है? वी रेज टू 1 बाई थ्री, बराबर, क्लियर। तो v रेज टू 1 बाई थ्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p। आपको क्या पूछा है? v1 बाई v2, रेशो ऑफ वॉल्यूम पूछा है ना, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल टू दैट ऑफ सेकेंड। तो क्या आएगा? इनवर्स रिलेशन। तो क्या आएगा? डेल्टा p2 और डेल्टा p क्यूब कर लेते हैं, क्यूब क्यूब क्यूब। तो v1 बाई v2 इक्वल टू डेल्टा p2 बाई डेल्टा p1 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। लेकिन डेल्टा पी वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है? थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा पी टू, क्वेश्चन में बोला है ऐसा। तो डेल्टा पी टू बाई पी वन कितना है? अरे बोलो बोलो कितना है? वन बाई सब्स्टिट्यूट करो तो वी वन बाई वी टू कितना हो गया? वन बाई थ्री का क्यूब, तो वन बाई ट्वेंटी सेवन, वन एस टू ट्वेंटी सेवन, ऑप्शन सी।